हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज हम कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और आजकल के टाइम में आपको पता है कि घिया बहुत ही पॉपुलर है, और घिया आपको पता है हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। ये अल्कलाइन होता है, तो हम जनरली क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है एसिड भी बहुत बढ़ने लगता है बॉडी के अंदर, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें खानी होती हैं जैसे घिया हो गया, तुरई हो गया, टिंडे हो गए, हरी सब्जियाँ जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। तो आज हम बनाएंगे घिये का कुछ नया। तो ये है घिया, ये अल्कलाइन फूड है, और घिये की सब तरह से दाल के साथ बनाते हैं, हम नॉर्मल सब्जी बनाते हैं काट के, बट आज कुछ अलग बनाएंगे। तो इसका हम बनाएंगे घिये के कोफ्ते की सब्जी। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो भाई, जब भी हम हरी सब्जियां बनाते हैं तो अल्कलाइन फूड जो होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें कम से कम मसाले डालें और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएं, तो जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और उसके जो भी क्वालिटीज़ हैं वो हमारे बॉडी को मिलती हैं। तो इसके लिए घी को हम पहले इसको छीलेंगे अच्छे से, ऊपर का जो हार्ड पोर्शन है वो इसको निकाल देंगे। तो देखिए, ये अच्छे से छिल गया है और अब हम इसको करेंगे ग्रेट, यानी कद्दूकस करेंगे। पूरे घी को हम कद्दूकस करेंगे। सो गाइज, ये हमारा ग्रेट हो गया है। इसमें हम सिर्फ डालेंगे नमक और बेसन, जिससे कि ये जुड़ जाए। सिर्फ इतना ही बेसन जानना, ज़्यादा एक्स्ट्रा हम नहीं डालेंगे इसमें। तो देखिए, हमारा ये लौकी का बेसन डाल हुआ तैयार हो गया। देखिए, बस ऐसे इसको ये जुड़ना चाहिए, बस इतना ही हमने बेसन डाला। ये देखिए, ये सारा जुड़ रहा है ना, बस इसके हम पकौड़े बनाएंगे। फिर लिए हमने ऑन और इसमें रखे कढ़ाई, और इसमें अब हम डालेंगे ऑयल। सो गाइज, ऑयल हो गया है गरम। अब हम छोटे छोटे इसके पकोड़े बनाएंगे। ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे राउंड करना है और आराम से इसके। ये हमारे बन रहे हैं घी के पकोड़े। सो गाइज, इनको दोनों साइड से पलट कर हल्का हल्का सेकना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगे। तो दोनों साइड से जब थोड़े से रेड रेड हो जाए, बस तभी वहीं तक ही इनको सेकना है और इनको हम निकाल लेंगे। सो गाइज, देखिए, ये हमारे पकोड़े बनकर हो गए हैं तैयार। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो बस इसमें हम डालेंगे सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च, इसके अलावा हम कोई ज़्यादा मसाला इसमें नहीं डालेंगे। टमाटर और हरी मिर्च हमने बारीक बारीक काट लिए हैं और उसको ऑन करेंगे। उसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसको हम निकाल देंगे, सिर्फ उतना ही रखेंगे जितने में हमने सब्जी बनानी है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ऑयल हो गया है गरम, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हल्दी, और इसमें हम डाल देंगे जो हमने टमाटर और हरी मिर्च उसको हल्का हल्का पकाएंगे। इसीलिए हम साथ के साथ डाल देंगे धनिया, जिससे धनिया भी साथ के साथ पकता रहेगा। और डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च कलर के लिए और थोड़ी सी लाल मिर्च। तो इस मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। देखिए, तो गाइस, मसाला हो गया हमारा तैयार। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो पहले हम इसमें डालेंगे पानी। इसकी ट्रिक ये है कि पानी अच्छे से उबल जाए, मसाला बन जाए, उसके बाद हम पकौड़े डालेंगे। अगर हम पहले डालने के बाद पानी डालते हैं तो वो कच्चे पानी को सोख लेगा और पकौड़े अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। अब हम इसको अच्छे से बॉइल करेंगे। तो ग्रेवी हमारी पककर हो गई है तैयार। अब बस लास्ट में हम डालेंगे गर्म मसाला।
सो गाइस ग्रेवी हमारी है तैयार। अब हम क्या करेंगे, एक दो पकौड़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे। और पहले हम डालेंगे मैश किए हुए पकौड़े। इससे क्या होगा, ये ग्रेवी का थोड़ा पानी सूखेंगे और ग्रेवी हमारी से गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। इसको डाल के अब हम थोड़ी देर तक और इसको बॉईल करेंगे। बस ये पकौड़े हमने डाल दिए हैं इसके अंदर और एक हल्का सा बॉईल और देंगे। सो एक बॉईल आ गया है, बस अब हम कर देंगे गैस को ऑफ और इसको हम हरे धनिए से गार्निश करेंगे। ये हमारी तैयार हो गई है कोफ्ते की सब्जी। सो गाइस कितने सिंपल तरीके से बनाया हमने कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते, और बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। और कोशिश करेंगे कम से कम मसालों में ये बने तो और भी हमारे लिए हेल्दी रहेंगे। और जनरली हो सके तो हफ्ते में दो जरूर, दो दे दो बार या तीन बार जरूर खाइएगा। तो आपको गाइस कैसा लगा ये ब्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।